Welcome back to the channel and another Singapore trip story. This time it is for Marina Bay Sandscape Topebana Sky Park Observation Deck. हम पहुंचे हैं बे फ्रंट एमआरटी स्टेशन और वहां से लिया है गार्डन्स बाय द बे जाने वाला एग्जिट। अब आसपास के माहौल को अंदाजा तो आ ही गया होगा। ऑब्जर्वेशन डेक के साथ साथ हमें गार्डन्स बाय द बे का एक क्विक ग्लिम्स लेना है और मरीना बे सैंड्स होटल को अंदर से थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना है। मरलायन पार्क वाले वीडियो में हम लोग एक्चुअली एक्सप्लोर कर रहे थे मरीना बे सैंड्स के आगे वाले एरिया को, आज हम लोग हैं जस्ट उसके पीछे वाले एरिया में। यहाँ से आगे से राइट में है गार्डन्स बाय द बे की एंट्री और आगे से लेफ्ट में है मरीना बे सैंड्स की एंट्री। ये ब्यूटीफुल ब्रिज एक्चुअली मरीना बे सैंड्स के सामने वाले मॉल को और गार्डन्स बाय द बे को मरीना बे सैंड्स से कनेक्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू देता है। यहाँ से फ्लायर का व्यू तो जस्ट मैस्मराइजिंग है। चलिए तो चलते हैं अभी मरीना बे सैंड्स होटल के अंदर और उसको क्विकली एक्सप्लोर करते हैं। वो ये तो अंदर से भी एकदम धमाल है। सो अभी हम लोग हैं टावर 1 और टावर 2 के बीचों बीच। ऑब्जर्वेशन डेक की एंट्री के लिए हमें जाना है टावर 3 की तरफ। यहाँ से निकलते ही एक ऑप्शन है मरीना बे सैंड्स के मॉल की तरफ जाने के लिए, या तो ये राइट साइड वाली लिफ्ट लेके जा सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पे टावर 3 की तरफ। चलिए तो यहाँ से फिर चलते हैं हम स्काई पार्क वाले ऑब्जर्वेशन डेक के ऊपर। इसका यूजुअल एंट्री टाइम 11 से 9 के बीच होता है, लेकिन ऑलवेज रिकमेंडेड है कि एडवांस में चेक करके आना अगर इसमें टाइमिंग में कोई चेंजेस है या फिर ऑब्जर्वेशन डेक कभी बंद है तो। हमने हमारी टिकट Klook.com की ऐप से बुक करी थी जहाँ पे यूजुअली ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्लैश हो जाती है, स्पेशली द अनअवेलेबल डेज। दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि यहाँ पे ओवर द काउंटर टिकट का प्राइस है 24 सिंगापुर डॉलर्स, जो कि पड़ता है रफली 1350 रुपीज़ में, और हम लोगों ने Klook.com से इंडियन क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करते हुए टिकट्स बुक करी, जिसका हमें पर पर्सन प्राइस पड़ा 1050 रुपीज़ के आसपास। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो आप यहाँ पे शो करके डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, तो वो और एक कन्वीनियंस ऐड हो जाता है। एंट्री करते ही मुस्कुराने का टाइम आ जाता है क्योंकि यहाँ पे ये लोग फ़ोटो खींचते हैं और आपको कॉम्प्लीमेंट्री कुछ 5 फोटोग्राफ्स ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए देते हैं। कुछ ऐसे दिखते हैं वो फोटोज़। तो लिफ्ट से आ गए हम लोग 57 फ्लोर पे और इसकी हाइट रफली 200 मीटर्स है। ओ वाव, ये तो सुपर एक्साइटिंग वाला व्यू दिख रहा है। फास्टन योर सीट बेल्ट्स गाइस एंड गेट रेडी फॉर गूज़बम्प्स। If I'm not wrong, left में कहीं पे तो उनका infinity pool वाला section है, but believe me guys, ये view बहुत ही ज़्यादा mesmerizing है। I don't know how much the camera can do the justice, but पिछले video में हम लोग मरलायन पार्क से मरीना बे सैंड्स होटल को देख रहे थे, आज हम लोग टॉप ऑब्जर्वेशन डेक से मरलायन पार्क की तरफ देख रहे हैं। सुपर अमेजिंग है ये।
ये तो जस्ट एंट्री पॉइंट था, लेट्स चेक आउट द होल डेक। लगता है नीचे लाइट एंड वाटर वाला शो शुरू हो गया है। ये यूजुअली एवरीडे 8 PM को और 9 PM को ये शो होता है मॉल के जस्ट बाहर की तरफ। वीकेंड को आई बिलीव एक्स्ट्रा शो होता है जो कि होता है 10 PM को। ये ऑब्जर्वेशन डेक सीरियसली काफी बड़ा है। यहाँ से थोड़े एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे एक रेस्टोरेंट भी है, यहाँ से व्यू भी थोड़ा अच्छा आ सकता है और रिस्ट्रिक्शन नहीं है जाने के लिए कोई भी। इस ऑब्जर्वेशन डेक से काइंड ऑफ 3 साइड का व्यू मिलता है, मरलायन पार्क की तरफ का, सिंगापुर फ्लायर की तरफ का और गार्डन्स बाय द बे की तरफ का। अभी तो पूरा सराउंडिंग काफ़ी ब्यूटिफुली लिट अप है, लेकिन अगर दिन के टाइम पे कोई प्लान करता है यहाँ पे आने का तो गर्मी वाला फैक्टर एक ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। नीचे जो लवेंडर कलर का पाइप वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है हेलिक्स ब्रिज, जो कि कनेक्ट करता है मरीना बे सैंड्स वाले मॉल को सिंगापुर फ्लायर्स से। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है और काफ़ी इंस्टाग्रामेबल प्लेस है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था सिंगापुर फ्लायर को, जो कि ब्लू कलर का व्हील टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। वहाँ से मरीना बे सैंड्स का व्यू बहुत ही अमेजिंग था। आज हम लोग मरीना बे सैंड्स से सिंगापुर फ्लायर को देख रहे हैं। ये टाइप का ऑब्जर्वेशन डेक 200 मीटर्स हाइट और इस टाइप का व्यू फॉर 1050 रुपीज़ और 1100 और 160 मीटर्स हाइट, 30 मिनट्स के लिए एक कैबिन में बट पैनोरामिक व्यू और 1800 रुपीज़ रफली टिकट। व्हाट विल बी योर चॉइस, मरीना बे सैंड्स ऑब्जर्वेशन डेक और सिंगापुर फ्लायर? टेल मी इन द कमेंट। गेट रेडी फॉर अनदर गूज़बम्प्स वाला एरियल व्यू। राइट साइड में दो सी शेल्स जैसे दिखने वाले डोम्स, क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम्स हैं गार्डन्स बाय द बे के। फॉर्चुनेटली हम लोग ऑलमोस्ट 1 आवर स्पेंड कर पाए ऑब्जर्वेशन डेक के ऊपर। एग्जिट लेने के टाइम पे हम लोगों ने कलेक्ट किया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फोटोज का कूपन, जिससे विद इन 24 आवर्स फोटोज अपलोड हो गए थे और हम लोगों ने लिटिल बिट ऑफ कस्टमाइजेशन से फोटोज डाउनलोड कर पाए। ये ऑब्जर्वेशन डेक मैं बोलूंगा कि सुपर रिकमेंडेड है और उसको मिस मत करना इफ यू आर प्लानिंग सिंगापुर ट्रिप। तो चलिए सुपर एक्साइटिंग और मेमोरेबल वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड और मिलते हैं और एक नई ट्रिप स्टोरी में। टिल देन टेक केयर एंड कीप रॉकिंग।